इतना देश भी अनेक आशा अपेक्षाओं के साथ आंख बंद करके उनका समर्थन करता है, लेकिन उन्होंने इस प्रकार की कार्यशैली विकसित की, इस प्रकार का कल्चर विकसित किया कि जिसके कारण वे एक भी चुनौती का परमानेंट सॉल्यूशन करने का न कभी सोचा, न कभी उनको सूझा, न कभी उन्होंने प्रयास किया। वे बहुत हो हल्ला हो जाता था तो चीजों को छू लेते थे, टोकनिज्म कर लेते थे और फिर आगे चले जाते थे। समस्याओं का समाधान करना ये उनका दायित्व था। देश की जनता समस्याओं से जूझ रही थी, देश की जनता देख रही थी कि समस्या का समाधान कितना बड़ा लाभ कर सकता है, लेकिन उनकी प्रायोरिटीज अलग थी, उनके इरादे अलग थे और उसके कारण किसी भी बात का परमानेंट सॉल्यूशन का प्रयास नहीं किया। आदरणीय सभापति जी, हमारी सरकार की पहचान जो बनी है वो हमारे पुरुषार्थ के कारण बनी है। एक के बाद उठाए गए कदमों के कारण बनी हुई और आज हम परमानेंट सॉल्यूशन की दिशा में आगे बढ़ते रहे हैं। हम एक एक विषय को छू करके भागने वाले लोग नहीं, लेकिन देश की मूलभूत आवश्यकताओं को परमानेंट सॉल्यूशन पर बल देते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, अगर मैं पानी का ही उदाहरण लूं तो वो जमाना था कि किसी गांव में एक हैंडपंप लगा दिया तो हफ्ते भर उसका उत्सव मनाया जाता था और उस टोकनिज्म से पानी का काम किया करके गाड़ी चलाई जाती थी। कल यहां गुजरात का जिक्र कर रहे थे, आप हैरान होंगे, सबसे ज्यादा सीटों से जीतने का उनका जो गौरव था, वैसे एक मुख्यमंत्री एक शहर में पानी की टंकी का उद्घाटन करने गए थे और वो फ्रंट पेज पर हेडलाइन न्यूज था, यानी समस्याओं का टोकनिज्म क्या होता है, कैसे टाला जाता है, ये कल्चर देश ने देखा है। हमने भी पानी की समस्या को सुलझाने के लिए रास्ते अपने, हमने जल संरक्षण, जल सिंचन हर पहलू पर ध्यान दिया, हमने कैच द रेन अभियान से जनता को जोड़ा। इतना ही नहीं, आजादी के पहले से अब तक हम सरकार में आने तब तक सिर्फ 3 करोड़ घरों तक नल से जल मिलता था। आदरणीय सभापति जी, पिछले 3-4 साल में आज 11 करोड़ घरों को नल से जल मिल रहा है। भारत पानी की समस्या जो हर परिवार की समस्या होती है, जीवन में उसके बिना चल नहीं सकता और भविष्य के संभावनाओं को भी देखते हुए हमने उसके समाधान के रास्ते चुने। आदरणीय सभापति जी, मैं एक और विषय पर भी जाना चाहता हूं, एम्पावरमेंट ऑफ कॉमन पीपल। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इस बात से हुआ था
कि गरीबों को बैंकों का अधिकार मिले, ऐसी बहानेबाजी की गई थी। लेकिन इस बैंक देश के आधे से अधिक लोग बैंक से दरवाजे तक नहीं पहुंच पाए। हमने परमानेंट सॉल्यूशन निकाला और जनधन अकाउंट का अभियान चलाया, बैंकों को मोटिवेट किया, ऑन बोर्ड लिया। पिछले 9 साल में ही 48 करोड़ जनधन बैंक खाते खोले गए, इसमें 32 करोड़ बैंक खाते ग्रामीण और कस्बों में हुए हैं, यानी देश के गांव तक प्रगति की मिसाल को ले जाने का प्रयास हुआ। कल खड़गे जी शिकायत कर रहे थे कि मोदी जी बार बार मेरे चुनावी क्षेत्र में आते हैं। वो कह रहे थे मोदी जी कलबुर्गी आ जाते हैं। मैं जरा खड़गे जी को कहना चाहता हूं, मैं आता हूं उसकी शिकायत करने से पहले ये भी तो देखो कि कर्नाटका में 1,70,00,000 जनधन बैंक अकाउंट खुले हैं। इतना ही नहीं, उन्हीं के इलाके में कलबुर्गी में 8,00,000 से ज्यादा जनधन खाते खुले हैं। अब सभापति जी बताइए, इतने बैंक के खाते खुल जाए, इतना एम्पावरमेंट हो जाए, लोग इतने जागरूक हो जाए, और किसी का इतने सालों के बाद खाता बंद हो जाए,